गुड मॉर्निंग, कैसी है जयपुर में आज? आज क्या चीजें देखने को मिलने वाली हैं? मुझे स्थापित करके मेरे यहाँ बलि देखिए चढ़ाई जाए। रात भी सियासी थी और सुबह भी, अंदाजे बयां यही कहती है कि एक शांति यहाँ पर है, लेकिन उस शांति में ही एक क्रांति छुपी हुई है। आज नवरात्र की शुरुआत है, सब शुभ और लाभ की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन राजस्थान की राजनीति ने ऐसी करवट ली है कि हालात अब बस से बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल पूरी शाम और देर रात तक सियासी ड्रामा चलता रहा, लेकिन अनिर्णय की स्थिति के साथ लोग गुड नाइट कहते नजर आए, लेकिन जब गुड मॉर्निंग हुई है तो जाहिर तौर पर उन आंखों से नींद गायब रही जिन्हें सियासी सपने रोज आते हैं। जाहिर तौर पर कांग्रेस में गुटबाजी सामने आई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बड़े पद के लिए यानी कांग्रेस अध्यक्ष के लिए दावेदारों में से, और कह सकते हैं कि जीत पुख्ता तौर पर उनकी होगी ऐसा राजनीतिक और सियासी हलकों में माना जा रहा था। लेकिन इस बीच राजस्थान में जब सियासी संकट उपजा है तो इस सियासी संकट ने उस छवि को थोड़ा कमजोर किया है, ऐसी भी राजनीतिक विशेषज्ञों में चर्चा है। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो कल के पूरे सियासी हलचल का अंत विधायकों ने आलाकमान की ओर से भेजे गए दो व्यक्तियों से मुलाकात नहीं करके दिया था। अब सुबह है, दोनों जो शख्स यहां पर रुके हुए हैं, बात चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे की करें या अजय माकन की, आज उन्हें 1-to-1 विधायकों से संवाद की उम्मीद है। लेकिन राजनीति में अगर आप 1-to-1 संवाद का मौका देते हैं तो जाहिर तौर पर एक राय बनना मुश्किल है। राजस्थान में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री पद की दौड़ है, कई चेहरे हैं जो हर सप्ताह सामने आते हैं, वैसी ही हालत इस वक्त कांग्रेस में है। हालांकि कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्थायी चेहरे के रूप में है, सभी जो कह सकते हैं अपनी नाराजगी विधायकों ने दर्शाई है, वो चाहते हैं कि उनका नेतृत्व अशोक गहलोत राजस्थान में भी करते रहें और संगठन के लिहाज से केंद्रीय कांग्रेस की इकाई में। लेकिन आलाकमान ये स्पष्ट कर चुका है कि जो उदयपुर में प्रस्ताव पास हुए उन्हें लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम यह भी होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 2024 के तहत जो जिम्मेदारी दी जा रही है उस पर खरा उतरने के लिए कुछ कार्यभार कम किया जाए। लेकिन अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हटते हैं तो कौन, इस कौन के प्रश्न ने, प्रश्नवाचक चिन्ह ने पूरे राजस्थान के सियासी ड्रामे में एक हलचल पैदा कर दी है। सबसे बड़ा नाम सचिन पायलट का सामने आता है, लेकिन जब सचिन पायलट विधायकों से संवाद कर चुके होते हैं लेकिन एक राय बनाने में पीछे रहते हैं, सचिन पायलट गुट, अशोक गहलोत गुट, उधर सामने आता है कि भाई शांति धारीवाल के आवास पर एक चाय पार्टी होती है और चाय पार्टी डिनर के साथ सीपी जोशी के आवास पर खत्म होती है। लेकिन इस पूरे सियासी ड्रामे में अनिर्णय की स्थिति अभी भी बनी हुई है। सुबह भले ही उम्मीदों वाली हो, सूरज की किरणें दिखा रही हो कि हाँ सवेरा हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में अंधेरा अभी भी कायम है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विष्णु जी भी जुड़ रहे हैं और जाहिर तौर पर राजनीति का बड़ा अनुभव होता है, इनसे भी हम जानेंगे कि जो इस सियासी ड्रामा राजस्थान में हुआ है इसमें एक सबसे अहम बात और बताना चाहूंगा, विष्णु जी से बात करें उससे ठीक पहले, कि यही ड्रामा जब सचिन पायलट गुट ने किया था तो उन्हें बागी सरकार गिराने के किरदार के रूप में दर्शाया गया था। लेकिन अब जब स्थिति बन रही है तो उसमें जो समर्थक है वो कुछ अलग कहते हुए नजर आ रहे हैं और यह अलग ही राजस्थान की जनता को पच नहीं रहा है। विष्णु जी, बेहद एक कह सकते हैं कि राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल है राजस्थान में। सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में नहीं है, है लेकिन जाहिर तौर पर दर्शा रही है कि सरकार यहाँ नहीं है। बिल्कुल ये सही है अंकित, क्योंकि एक चुनौती, खुली चुनौती आलाकमान को, क्योंकि आलाकमान ने अपनी ओर से जो केंद्रीय पर्यवेक्षक भेजे थे उनकी बात सुने बिना ही जो विधायक हैं गहलोत समर्थक गुट है उन्होंने बगावत कर दी। ऐसे में पहली बार हुआ है इस तरह का माहौल राजस्थान में और खासकर कांग्रेस में कि आलाकमान की ओर से भेजे जो पर्यवेक्षक हैं उनकी बात सुने बिना ही विधायकों ने बगावत कर दी। तो ये जो सियासत है ये कब कौन से करवट ले ले इसे कहा नहीं जा सकता, और इसी को लेकर यहाँ लगातार राजस्थान में जो उथल पुथल मची है वो चल रही है। और अभी फिलहाल ये बादल जो है ये साफ नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जब आलाकमान की ओर से अभी साफ संदेश आया है कि 1-to-1 उनकी बात सुनी जाए,
और वन टू वन सुनने के बाद भी हालात जस्सी के तस बने रहने वाले हैं, क्योंकि जो उनकी तीन मांगे हैं विधायकों की, जो उन्होंने साफ चेतावनी दे दी, जो बागी गुट है यानी सचिन पायलट है, जिन्होंने उनकी बात नहीं सुनी जाए, जब कांग्रेस का संकट आया और वो बाहर मानेसर चले गए थे अपने समर्थकों के साथ, ऐसे ही 102 विधायक जिन्होंने सरकार बचाने में अहम भूमिका निभाई, उनकी बात सुनी जाए, उनमें से ही कोई नेतृत्व यानी सचिन पायलट को वो नहीं चाहते कि सीएम बने। नहीं, उनमें से कुछ विधायक जैसे दिव्या मदेरना ने ट्वीट किया है कि वो कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस हाईकमान पर भरोसा है, रीटा चौधरी की बात करें, और साथ ही कुछ और भी ऐसे विधायक हैं जो उस समय होटल में बंद थे लेकिन अब वो कांग्रेस हाईकमान के साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आपने कही है, जाहिर तौर पर तीन जो मांगे हैं उनमें एक बड़ी मांग ये विधायकों ने, जो अशोक गहलोत समर्थित विधायक कह सकते हैं इस वक्त, कि वो कह रहे हैं कि 19 तारीख के बाद फैसला हो, लेकिन सियासी हलकों में चर्चा है 19 तारीख के बाद तो फिर आलाकमान ही बदल जाएगा, तो जो फैसला लेने की शक्ति वो सीधे तौर पर अशोक गहलोत के हाथ में होगी कि कौन राजस्थान का मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल ये सही है, क्योंकि 19 अक्टूबर के बाद जो यहाँ पर कांग्रेस का चीफ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो बदल जाएगा, तो ऐसे में उनकी शक्ति आ जाएगी। यही गहलोत समर्थकों का पॉइंट है कि जब तक गहलोत यहाँ से राजनीति से नहीं जा रहे यानी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिए जा रहे, तो इससे पहले ये जो नया मुख्यमंत्री है उसका नाम कैसे प्रस्तावित किया जा सकता है। जाहिर तौर पर अंकित, जो चर्चा आप लोग कर रहे हैं वो चर्चा बहुत अहम चर्चा है, और एक से एक बात तो बहुत क्लियर है, बहुत लाउड एंड क्लियर है कि गहलोत खेमा बिल्कुल नहीं चाहता। उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री ना बने, उसकी जगह चाहे आप जिसको बना दीजिए, इतना तमाशा नहीं होगा। संकट में लग रही थी गहलोत की कुर्सी, लेकिन संकट में अब आला कमान यहां पर आ गया है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जुड़ने